आज का टॉपिक है रिएक्शन डेमिंग। केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन के बीच में भी कुछ कुछ कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, वैसे कंपोनेंट को रिएक्शन डेमिंग बोलते हैं। इसमें से कुछ कंपोनेंट स्टेबल रहते हैं और कुछ कंपोनेंट स्टेबल नहीं रहते हैं। तो जो कंपोनेंट स्टेबल रहते हैं वो कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है और उसी का स्टडी हम लोग रिएक्शन डेमिंग के फॉर्म में करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बिन, तो ये सारे टॉपिक्स का हम लोग स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो रिएक्शन डेमिंग हम लोग देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में जैसे कोई रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट यहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा ग्राफ हम लोग देखेंगे, यहां पे भी रिएक्टेंट है और इस केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब दोनों ग्राफ का जब हम लोग स्टडी करेंगे, ये हम लोग का एनर्जी एक्सिस है, यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस केस में भी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी एक्सिस है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस केस में क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, यहां पे एनर्जी एक्सिस में कुछ वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। इनिशियल स्टेट में रिएक्टेंट की एनर्जी 10 किलो जूल थी, अब कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। यहां पे इसका मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है, जहां पे किसी भी रिएक्टेंट स्पीसीज का मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। फिर फाइनली ट्रांजिशन स्टेट आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी 10 किलो जूल और प्रोडक्ट की एनर्जी 20 किलो जूल, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन, सॉरी एनर्जी ऑफ, यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जिस कंपोनेंट की एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पे हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे ये रिएक्शन कॉन्टिन्यू आगे की तरफ मूव किया, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और ये फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से एनर्जी गेन किया गया। तभी अभी मेरे पास 10 रुपया था और फिर 20 रुपया हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से पैसा लिए हैं। तो यहां पर बाहर से एनर्जी गेन किया जा रहा है और जब बाहर से एनर्जी गेन किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस का ग्राफ है, इंडोथर्मिक प्रोसेस, यहां पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। किसी रिएक्शन में जितने ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन उतने स्टेट का होता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो जहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है वहां पे कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस केस में नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पे सेकंड वाले ग्राफ में हम लोग देखेंगे, यहां पे भी 20, 30, 40, 50, 60,
इस ग्राफ में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। पहले रिएक्टेंट की एनर्जी 20 किलो जूल थी, रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ा और यहां पे इसका एनर्जी मैक्सिमम हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट है। फिर यहां पे एनर्जी डिक्रीज किया और फिर आगे बढ़ा, फिर यहां पे एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हुआ और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड हुआ। दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है, यहीं पे रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी रिएक्शन में जितना ट्रांजिशन स्टेट होगा रिएक्शन उतने स्टेप का होगा। दूसरी बात, जितना भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है उससे एक कम रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे एनर्जी की बात, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। एस्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस ग्राफ में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एनर्जी कम होने का मतलब वो है कि एनर्जी यहां पे रिलीज किया गया है। अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। यहां पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद यहां पे एस्टेबिलिटी, तो एस्टेबिलिटी की बात करेंगे तो एस्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा है। एस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एस्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पे टू ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए यहां पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। वन रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है। और इस रिएक्शन में या इस ग्राफ में हम देखेंगे तो यहां पे रिएक्शन दो स्टेप का है, क्योंकि यहां पे दो ट्रांजिशन स्टेट बना। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप। तो ये टू स्टेप रिएक्शन। तो इस तरह से यहां पे दो ग्राफ दिखाए गए हैं, सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि मल्टी स्टेप रिएक्शन में जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप का होता है तो वहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन में काम कर रहे हैं, यहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टडी करेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट सिंपल वे में, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट का फॉर्मेशन करता है जिसकी हाई एनर्जी हो, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट का फॉर्मेशन होता है जिसका लो एनर्जी होता है, इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो इसके हाई एनर्जी होने के कारण नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि यहां पे लो एनर्जी होने के कारण ये कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्ट करता है इसलिए इसका स्टडी किया जाता है। ये चीज रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हम लोग यहां पे देखेंगे पहला कार्बोकेटायन, दूसरा जो है हम लोग का वो है कार्बोएनायन, तीसरा फ्री रेडिकल्स, फोर्थ जो है वो नाइट्रीन, और इसके बाद जो है वो कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोकेटायन का स्टडी करेंगे।
कार्बोकेटायन को हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटायन लगभग बैक्सिंग रिएक्शन में प्रेजेंट रहता है। अभी हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, कार्बो मींस कार्बन होता है और केटायन मींस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इसको बोले तो कोई भी कार्बन स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वैसे कार्बन स्पीसीज को कार्बोकेटायन बोलते हैं। जैसे सिंपल वे में हम लोग यहां पे इसको C प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्बन स्पीसीज बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3+, तो CH3 को मिथाइल बोला जाता है, तो ये मिथाइल हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग कार्बोकेटायन बोलेंगे। तो यहां पे मिथाइल कार्बोकेटायन। उसी तरह से अगर ये C2H5+ है तो C2H5 को इथाइल बोला जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल कार्बोकेटायन। अगर बेंजीन है CCH5+ तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन यहां पे कम है इसलिए ये फिनाइल ग्रुप है तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल कार्बोकेटायन। इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। कार्बोकेटायन के लिए दो टर्म यूज किया जाता है, एक होता है कार्बिनियम है। ये अगर हम यहां पे बात करें एक होता है कार्बिनियम आयन। कार्बिनियम आयन का मतलब होता है CH3+ और एक होता है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन का मतलब होता है CH5+। तो हम लोग को कार्बिनियम आयन का स्टडी करना है, कार्बिनियम आयन का स्टडी करना है। कार्बोकेटायन को कार्बिनियम आयन भी बोला जाता है तो हम लोग इसका स्टडी करेंगे। अब आइए इस पे देखते हैं हम लोग कुछ कार्बोकेटायन में। कार्बोकेटायन की बात हम लोग कर रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा कार्बोकेटायन लेते हैं, एक सिंपल CH3+। CH3+ को अभी हम लोग बोल रहे थे मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बो केटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। यहां पे वन कार्बन एटम है, यहां पे थ्री हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग देखेंगे तो ये C6 होता है और इसमें 1s2 2s2 2p2 कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में p ऑर्बिटल है तो कार्बन टू के टेट्रावैलेंसी बनाते हैं। अभी तो यहां पे टेट्रावैलेंसी के केस में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अभी तो यहां पे 3 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए बैकेंड ऑर्बिटल बैकेंड p ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट होगा। ये जनरली pz होता है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा। तो CH3+ का ये सिंपल स्ट्रक्चर है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन एटम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस यहां पे कार्बन एटम अपने 6 स्टेट फॉर्म में। तो यहां से कार्बोकेटायन को डिफाइन किया जाएगा। ऐसे सिंपल वे में हम लोग यहां पे बोले कि वैसा कार्बन स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। दूसरा हम लोग यहां से स्टडी कर रहे हैं तो यहां पे कार्बन एटम के अराउंड 1, 2, 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन, साथ में एक पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं भी अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मतलब यह है कि इस स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका मतलब ये स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो यहां से डिफाइन करेंगे कार्बोकेटायन को कि वैसा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन स्पीसीज
जो कि 68 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उस कार्बन स्पीसीज के पास 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन साथ में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, ऐसे कार्बन स्पीसीज को कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग कार्बोकैटायन को डिफाइन कर सकते हैं, कार्बोकैटायन बोलेंगे हम लोग और पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्पीसीज और पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्पीसीज हैविंग या डायरेक्टली किया जाए अपोजिटिव चार्ज कार्बन स्पीसीज आर नोन एज कार्बो किटाइन, और हम लोग बोलेंगे एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन स्पीसीज हैविंग 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड वन फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज एंड वन फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कार्बोकैटायन इज ऑल्सो नोन एज कार्बिनियम आयन, इज ऑल्सो नोन एज कार्बिनियम आयन। तो इस तरह से हम लोग कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं। कार्बोकैटायन के ऊपर यहां पे लिखा हुआ है कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पे लिखा हुआ है कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और उसके पास 3 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, साथ में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। यहां पे स्टेटमेंट हम लोग ये देख रहे हैं कार्बोकैटायन को हम कार्बिनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन नहीं कार्बिनियम आयन। अब हम लोग यहां पे इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड इसके अराउंड एग्जिस्ट कर रहा है, 1 वैलेंट पी ऑर्बिटल है जो कि पीजेड है, और यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इस कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 3 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन और प्लस यहां पे 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन एटम के अराउंड एग्जिस्ट करता है वहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी 2 होता है। तो यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी 2 होगा और कार्बोकैटायन का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट किसी भी स्पीसीज का अगर कंप्लीट नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। That means कार्बोकैटायन
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को अगर इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। यहां पे कार्बन कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इधर से कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सिग्मा बॉन्ड हम लोग यूज किए हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये ग्रुप एज ए डोनर काम कर रहा है तो डोनर का जो इफेक्ट होता है उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी प्लस आई इफेक्ट अगर काम करता है कार्बन कैटायन के साथ तो कार्बन कैटायन को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और उस केस में ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर हम कार्बन कैटायन की बात करें जहां पे कि ग्रुप बॉन्डेड हो, वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, तो ये ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। यहां पे फिर हम लोग सिग्मा बॉन्ड का यूज किए हैं इसलिए इसको माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी और ये कार्बन कैटायन लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज और स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो सिंपल वे में ये दोनों कंसेप्ट काम करता है। कभी भी डोनर जुड़ा रहेगा कार्बन कैटायन से तो वो कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर रिसेप्टर जुड़ जाएगा तो वो कार्बन कैटायन लेस स्टेबल होगा। यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट भी हैं जो कि कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो उसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका भी कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। यहां पे हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन में थ्री इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट कार्बन कैटायन के स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन एक्सप्लेन और इन्फ्लुएंस बाय हाइपर कंजुगेशन। दूसरा जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिजोनेंस इफेक्ट। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनर इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन C+, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे हम लोग को पता चलेगा कि कौन कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल है। अब हम लोग यहां पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो किटाइन। एक काफी कॉमन क्वेश्चन है ए CH3 प्लस बी CH3 CH2 प्लस सी CH3 CH प्लस CH3 और डी CH3 प्लस एच। यहां पे इस कार्बोकैटायन से कोई भी दूसरा कार्बन चेन नहीं बॉन्डेड है, इसको मिथाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। ये कार्बन स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इससे एक कार्बन चेन बॉन्डेड है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहां पे कार्बन स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके दो तरफ कार्बन चेन है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और इस कार्बन स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके 3 डिफरेंट डायरेक्शन इधर दूसरी साइड में और ये तीसरी साइड में, तीन तरफ कार्बन चेन है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब यहां पे जो भी कार्बन स्पीसीज है, जो भी कार्बोकैटायन है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये CH3 जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये स्पीसी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा कार्बोकैटायन को। जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा कार्बोकैटायन के पास, कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस केस में यहां पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहां पे इस कार्बोकैटायन के पास 1 मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। यहां पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहां पे 1, 2, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये 3 डिफरेंट वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप यहां पे है, इसलिए सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है और ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग का जो आंसर है वो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे डी इज मोर स्टेबल देन सी इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन ए। या 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन। इसमें स्टेबिलिटी को नंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप पे, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप पे एक्सप्लेन किया गया। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, इसके बाद 2 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री और इसके बाद ये। तो आंसर में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो डी है, इसके बाद सी है, फिर बी है, फिर ए है। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन। इस क्वेश्चन में जैसे जैसे हम लोग इस डायरेक्शन में गए हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। यहां पे नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज, और प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करने से कार्बोकैटायन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने से स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे स्टेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। तो फिर से सुनिए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है, ज्यादा एल्काइल ग्रुप रहने से, ज्यादा मिथाइल ग्रुप रहने से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए इस कार्बोकैटायन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे केवल 2 ही मिथाइल ग्रुप है, इसलिए दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गया, मतलब स्टेबिलिटी और घट गई, और ये सबसे स्टेबल
सबसे लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन नहीं। इस तरह से हम लोग ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। सो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे पहला एग्जांपल हम लोग का है CH3 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 प्लस। यहां पे दूसरा pH CH3 CH3 प्लस, तीसरा pH pH CH3 प्लस, और लास्ट एग्जांपल है वो हम लोग का pH pH फिनाइल ग्रुप यहां पे और HA। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दो तरह के ग्रुप है, यहां पे मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और फिनाइल बेंजीन भी प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट लगाता है, मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और फिनाइल ग्रुप जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन इजिली डीलोकलाइज किया जा सकता है, इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा वो कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा इस क्वेश्चन में जहां भी ग्रेटर नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ग्रेटर नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप दैट मींस ग्रेटर रेजोनेंस इफेक्ट, और ग्रेटर रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण यहां पे कार्बन एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उस केस में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ग्रुप का यहां पे इफेक्ट जो है ये मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, और यहां पे बेंजीन है, बेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ फिनाइल ग्रुप इज ग्रेटर देन मिथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो ये 1, 2, 3 डिफरेंट साइड में फिनाइल ग्रुप है, 3 डिग्री, यहां पर 2 डिफरेंट साइड में फिनाइल ग्रुप और एक तरफ मिथाइल ग्रुप, तो ये 2 डिग्री, यहां पे 2 तरफ मिथाइल ग्रुप एक तरफ फिनाइल ग्रुप, सॉरी ये भी 3 डिग्री है, यहां पे भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री। तो जितने भी कार्बन कैटायन है सारे के सारे 3 डिग्री। स्टेबिलिटी इस पे कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो स्टेबिलिटी को डिटरमाइन हम लोग फिनाइल ग्रुप के बेसिस पे कर रहे हैं, जितना ज्यादा फिनाइल ग्रुप रहेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए हम लोग का जो आंसर है वो आंसर में सबसे ज्यादा डी है, इसके बाद सी है, इसके बाद बी है और इसके बाद ए। आंसर फिनाइल ग्रुप के बेसिस पे किया गया, फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन कैटायन को, और इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए जितना ज्यादा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा कार्बन कैटायन में रेजोनेंस इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा कार्बन कैटायन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उस केस में कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए यहां पे 3 फिनाइल ग्रुप होने के कारण रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जा रही है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन में पहला CH3 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 प्लस, दूसरा जो है वो CH3 CH प्लस, और थर्ड जो है वो
ये हमारा अब यहां पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ज्यादा स्थिर तो यहां पे हम देखेंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोहाइड्रेट है और ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेंजीन के साथ CH2 प्रेजेंट है, CH2 जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग रिकॉर्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये और इसकी स्टेबिलिटी लगभग लगभग इक्विवेलेंट होती है क्योंकि यहां पे बेंजीन का 5 कैनोन पे स्ट्रक्चर हो सकता है और यहां पे 3+3 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, बट रिजोनेंस इफेक्ट थोड़ा सुपीरियर होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये दोनों की स्टेबिलिटी लगभग इक्वल है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा है, 3+3+3 9, तो बहुत ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, बहुत ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये 9 डिफरेंट वे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है जबकि इसका 5 कैनोन का स्ट्रक्चर होता है तो ये 5 डिफरेंट वे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसलिए हम लोग का जो आंसर है वो सबसे पहले फर्स्ट होगा और इसके बाद सेकेंड और थर्ड जो है वो इक्विवेलेंट हो। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, एस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में यहां पे हम बात कर रहे हैं पहला ये दूसरा हम लोग का कार्बोकैटायन है यहां पे और ये तीसरा कार्बोकैटायन है, इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पे कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बगल में ऑक्सीजन है ये रिजोनेंस के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहां पे रिजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है, रिजोनेंस इफेक्ट यहां पे प्लस आ जाएगी, कार्बोकैटायन है इसके ठीक बगल में ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन दूर हो जाएगा तो ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है क्योंकि कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा दूर है, ऐसे भी यहां पे 1, 2, 3, 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, यहां पे 1, 2, 3 कार्बन पे कार्बोकैटायन है, इधर से भी 1, 2, 3 इस तरह से दोनों डायरेक्शन से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कार्बोकैटायन को, तो यहां पे ऑक्सीजन इधर से और इससे इधर से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है एज कंपेयर टू दिस वन। इसलिए हम लोग का जो आंसर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा और इसके बाद सी होगा और इसके बाद बी होगा। फिर से हम लोग देखते हैं ये क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ, यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ठीक बगल वाले कार्बन पे बगल एडजेसेंट पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम है, ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को रिजोनेंस के थ्रू डोनेट कर देता है, रिजोनेंस इफेक्ट। यहां पे कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के बीच पे डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए यहां पे रिजोनेंस इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड कार्बन तक काम करता है, यहां से इधर से चले तो ये पहला दूसरे कार्बन पे कार्बोकैटायन है इसलिए इधर से इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, इस डायरेक्शन से 1, 2, 3 इंडक्टिव इफेक्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, तो इस कार्बोकैटायन को इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहां पे दोनों तरफ से 1, 2, 3 और 1, 2, 3 दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। यहां पे अभी लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं स्टेबिलिटी की, पहला जो है
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, कैसे कौन स्टेबल है। यहां पे दो ग्रुप का यूज किया गया है, एक है फिनाइल ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर, ये जो साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप है ऐसा ग्रुप, यहां पे बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 60 डिग्री के आसपास होता है, तो ये लेस देन 90 डिग्री है, ये बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री है। कहीं भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कम होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है और उस मॉलिक्यूल का, उस स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल छोटा होने के कारण मॉलिक्यूल में मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए ये वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो याद रखेंगे कि ये जो साइक्लो प्रोपाइल है ये फिनाइल ग्रुप से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। बॉन्ड एंगल छोटा होने के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन के कारण ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है विथ रिस्पेक्ट टू फिनाइल ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जो है वो साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप की ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनाइल ग्रुप। इसलिए जहां पे जितना ज्यादा साइक्लो प्रोफाइल ग्रुप होगा कार्बोकैटायन कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, इसके इसमें ए ज्यादा स्टेबल हुआ और बी कम स्टेबल हुआ, तो हम लोग का जो आंसर है वो आंसर ये होगा, आंसर यहां पे ए इज मोर स्टेबल है बी। ए क्यों ज्यादा स्टेबल है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, और ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये भी एक गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो इससे थोड़ी सी कम है। तो अभी हम लोग जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे, कार्बोकैटायन किस तरह से ज्यादा स्टेबल होता है, किस तरह से कम स्टेबल होता है। जैसे अगर यहां पे हम सिंपल क्वेश्चन दें, सोल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पे अगर पहला जो है वो है CF3 CH2 प्लस और दूसरा जो है वो CH3 CH2 प्लस, तो ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहां पे 3 फ्लोरीन है, यहां पे ये विथड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां पे जो है वो प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आंसर जो है यहां पे बी इज मोर स्टेबल देन ए। इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की बात करेंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।